उपखंड कार्यालय में जीव रक्षा, बिश्नोई सभा, सेवा दल और ग्रामीण क्षेत्र के गणमान्य लोग यहां मौजूद है और वो विष्णु दत्त बिश्नोई जो प्रकरण है, जिनको मजबूर किया गया आत्महत्या के लिए, जिन संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई, उसकी जांच की मांग के लिए आक्रोशित लोग यहां पे एकत्र हुए हैं और जानते हैं भी उनकी मांगे क्या है। हमारी मांग यही है कि एक ईमानदार व्यक्ति जो नियते ही एक भेंट चढ़ गया राजनीति के, उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और पूरा एक समाज नहीं, सारे 36 कौम इस प्रकरण के लिए पीछे पड़ी है और ये जांच होनी चाहिए सीबीआई। मैं देख पा रहा हूँ हर समाज के लोग यहाँ पूरे राजस्थान में आक्रोशित होकर नजर आ रहे हैं, और किस तरीके की उनकी कार्यशैली रही। और एक साफ छवि और दबंग ऑफिसर के रूप में उनकी जो संगरिया का और पीछे का भी जो यहाँ से हम सुनते हैं कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। हर आम आदमी की शिकायत पर भी वो गौर करते थे, हर छोटे से छोटी बात को भी गंभीरता से लेकर उसका न्याय करते थे। ऐसे आदमी को अगर किसी दबाव में आकर ये करना पड़ गया तो इसके लिए प्रशासन को चाहिए भी उसकी सीबीआई जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई। क्या आप जो ये सारा घटनाक्रम हुआ है उसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र या प्रशासनिक कमजोरी कुछ देख रहे हैं, किस तरीके से इसको ले रहे हैं? इसमें राजनीतिक ये है, अभी कोई षड्यंत्र की बू आ रही है जो आम आदमी वो पहचानता है, पर इसकी अगर सही तह तक जाकर जांच होगी तो जरूर इसमें कोई न कोई शामिल होगा। सरकार की तरफ से कोई विशेष सिग्नल नहीं मिल रहे हैं भी सीबीआई की जांच करवाई जाएगी। मामला ठंडे बस्ते में जा रहा है और लोग लगातार आक्रोशित हो रहे हैं। आपकी आगे की किस तरीके की रणनीति रहेगी इस प्रकरण में? हमें जहाँ तक भी जयपुर या दिल्ली तक भी आवाज़ उठानी पड़ी तो हम जाके और वहाँ धरना देने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और वो भी यहाँ की स्थानीय एजेंसी के द्वारा न होकर सीबीआई के द्वारा हो। ये ग्रामीण क्षेत्रों के दूरदराज क्षेत्रों से लोग आए हैं और ये कह रहे हैं कि जब एक आम जन की सुनने वाला एक निर्भीक अधिकारी इस तरीके से न्याय की को नहीं मिल रहा है, उसको न्याय मिल रहा है तो आम जन को कैसे न्याय मिलेगा, और पुलिस का जो मनोबल टूटा है वो कैसे कायम होगा, और लोगों को आम जन को कैसे न्याय मिलेगा, इसी शंका के साथ ये एकत्र हुए हैं और अभी उपखंड अधिकारी को ये ज्ञापन देने जाएंगे।